नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं बहुत कुछ बदल रहा है और उसी का ही ताजा नजारा कल देखने को मिला। उससे आप अपना नजरिया और इस चुनाव का नजरिया सेट कर सकते हैं, इसी वजह से मैंने ताजा नजरिया बोला था, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में आए दिन जो राजनीति का नजरिया है वो बदल रहा है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में जो चुनाव और राजनीतिक दलों के नजारे और नजर हैं वो बदल रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी से आरएलडी के गठबंधन की खबरें निकलकर सामने जो आ रही थी उस पर अंतिम मोहर भी लग गई है। हालांकि सीटों को लेकर अभी कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर कितनी सीटें आरएलडी को समाजवादी पार्टी दे सकती है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जयंत चौधरी दिल्ली से खुद आए और उन्होंने सारी अटकलों पे, जो अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस से कहीं ना कहीं उनका कुछ गठजोड़ कुछ बातचीत चल रही है और हो सकता है कि जयंत चौधरी इस बार प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़े, लेकिन उस पर कल उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया है। दरअसल राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव से उनकी जो मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद जो तस्वीरें ट्वीट करी गई, उस तस्वीरों ने बहुत कुछ उत्तर प्रदेश की राजनीति और 22 के चुनाव को लेकर के बयान कर दिया है। बढ़ते कदम यानी कि हम एक साथ हैं और एक साथ आकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने कदम बढ़ाएंगे और 22 का जो चुनाव है वो एक साथ लड़ेंगे। फिलहाल कितनी सीटों पर ये गणित भिड़ा है, कितनी सीटों पर ये बातचीत बनी है, ये अभी खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पश्चिम का वो जो इलाका है जहां पर जो किसान प्रमुख हैं, जहां पर जो अल्पसंख्यक वोट है वो प्रमुख है, जहां पर जो गुज्जर वोट है, जो नॉन जाट वोट है, ये सारे जो वोट हैं इस पर कहीं ना कहीं आरएलडी की जो पकड़ है वो काफी मजबूत बताई जा रही है। अहम बात यह है कि 2017 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उस दौरान बीजेपी को वहां पर काफी फायदे मिले थे। 2017 के विधानसभा चुनाव या 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वहां पर अच्छा मैंडेट मिला था, बंपर वोट मिला था, लेकिन इस बार किसान आंदोलन को लेकर के वहां पर किसान नाराज थे। गन्ना किसानों की अलग अपनी समस्याएं थी, आम जो किसान है वो भी समस्याओं में घिरा हुआ था क्योंकि एमएसपी एक बड़ा सवाल उसके सामने था और दूसरा ये था कि जो छुट्टे जानवर हैं वो भी कहीं ना कहीं उनकी फसलों को बर्बाद कर रहे थे, जिसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया था। इसके अलावा पश्चिम की ये जो बेल्ट है यहाँ पर नॉन जाट समुदाय भी है, नॉन जाटव समुदाय भी है, जो कहा जाता रहा है कि ये जो वोट बैंक है ओबीसी वोट बैंक और नॉन जाटव वोट बैंक, ये बीते 2017 और 19 के चुनाव में बीजेपी के खाते में गया था, लेकिन इस बार जो नाराजगी है उस नाराजगी की वजह से ये एक नया घर ढूंढने में लगा हुआ था। और कहीं ना कहीं जयंत चौधरी की जो सक्रियता इस दौरान पश्चिम की उस बेल्ट में बनी थी, उसके बाद ये लग रहा था कि किसानों का साथ और उसके अलावा ये जो नॉन जाटव समुदाय है या इसके अलावा जो अन्य जो राजनीतिक दल हैं या फिर अन्य जो जात के वोट बैंक है, ये कहीं ना कहीं जयंत चौधरी और आरएलडी के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे थे। इस बेल्ट में 26 जिले आते हैं जिसमें 136 विधानसभा सीटें हैं और 2017 में बीजेपी को यहां पर बड़ी सफलता मिली थी। 100 से ज्यादा जो सीटें हैं वो जाट समुदाय की हैं और इसके अलावा 20 सीटें ऐसी हैं जो गुज्जर समुदाय जहां पर प्रभावी है। तो ऐसे में अहम और सबसे अहम बात यह है कि इस सीट पर या इन सीटों पर, इस बेल्ट पर जो आरएलडी है उसका दबदबा इस बार ज्यादा देखा जा रहा था, लेकिन अकेले चुनाव लड़ पाना ये कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के लिए समस्याओं भरा हो सकता था। ऐसे में उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ढूंढना था, कुछ तलाश में वो लगे हुए थे। अखिलेश यादव से उनकी कई बार मुलाकात हुई लेकिन बात शायद कुछ मसलों पर नहीं बन पा रही थी। फिलहाल कल की जो मुलाकात हुई है उसके बाद ये अनुमान अब पक्का हो गया है कि ये दोनों लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे और सीटें कितनी होंगी ये अभी फिलहाल कंफर्म तो नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जा सकती है। तो यहां पर सवाल यह है कि क्या जिस तरह से पूरब में समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर, महान दल और कई सारे जो छोटे दल हैं उनको अपने साथ लेकर के पूरब की बेल्ट में खुद को मजबूत कर लिया है, क्या उसी तरह पश्चिम के बेल्ट में जयंत चौधरी के साथ जब वो जाएंगे तो वहां पर भी पूरब वाला प्रभाव देखने को मिलेगा, या कुछ नुकसान या कुछ फायदा किसको होगा ये देखना अहम है। लेकिन उसी बीच आज एक और बड़ा वाक्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो गया।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह आज अखिलेश यादव से मिलने के लिए लोहिया ट्रस्ट का जो ऑफिस है समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास वहां पर पहुंचे थे और अखिलेश के साथ उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद अटकलें ये लगाई जाने लगी कि आम आदमी पार्टी भी समाजवादी पार्टी के साथ हो सकती है 2022 के चुनाव में। अब क्या बातें हुई हैं, कितनी बातें हुई हैं और कितनी सीटों पर बातें हुई हैं, आगे और कितने दौर की बातें बची हुई हैं, ये कहीं ना कहीं अभी भी जो बक्सा है उसके अंदर बंद है। आगे क्या होगा ये पता नहीं है, लेकिन अनुमान ये लगाया जाने लगा है कि शायद आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी भी समाजवादी पार्टी के साथ चली जाएगी और इस सबको देख करके बीजेपी के माथे पर पसीना आना लाजमी है। क्यों? क्योंकि पश्चिम में जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ, पूरब में ओम प्रकाश राजभर और उनके साथ कुछ और छोटे छोटे जो दल हैं वो समाजवादी के पार्टी के साथ, और उत्तर प्रदेश की जो मध्य की जो भूमि है वहां पर भी कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी का नाम भी आने वाले दिनों में शामिल हो जाएगा। तो आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन का गठजोड़ है उसमें आखिर बीजेपी पिछड़ कैसे गई और समाजवादी पार्टी को ये जो गठबंधन की राजनीति समझ आई, उस समझ से उनको कितना फायदा होएगा, आम आदमी पार्टी क्या सपा के साथ जाएगी या नहीं जाएगी, और आरएलडी का कितनी सीटों को लेकर के अभी भी बवाल या फिर घमासान समाजवादी पार्टी से होना है, लेकिन बात तो लगभग पक्की हो गई है। एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम अपने मेहमानों को जोड़ के इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, सियासी समीकरण और राजनीतिक गठजोड़ बनाए जाने लगे हैं। सत्ता में वापसी के लिए समाजवादी पार्टी हर संभव कोशिश करने में जुटी हुई है। चाचा शिवपाल को अखिलेश ने भले ही अधर में लटका रखा हो, लेकिन उन्होंने पूर्वी यूपी में सुभाषपा को साधने के बाद पश्चिमी यूपी में रालोद के साथ लगभग डील पक्की कर ली है। ऐसे में आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आज सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब एक घंटे तक मुलाकात चली। इस मुलाकात के बाद अब इस बात पर भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या आरएलडी के बाद अब समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने की तैयारी में है। हालांकि सपा ने दोनों नेताओं के बीच इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है। बता दें कि अखिलेश यादव भी पहले कह चुके हैं कि वह पिछले बार की गलती से सीख लेकर छोटे दलों के साथ साझेदारी करके आगामी चुनावों में उतरेंगे। इसी कड़ी में पश्चिमी यूपी के किसान बेल्ट की मजबूत पार्टी रही राष्ट्रीय लोकदल से भी गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। मंगलवार को आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ मुलाकात तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है कि बढ़ते कदम। जयंत चौधरी के इस ट्वीट के बाद सपा और आरएलडी के बीच चुनावी गठबंधन करीब करीब तय माना जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों दलों में गठबंधन का जल्द ही आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। माना जा रहा है कि जयंत की पार्टी आरएलडी सपा से गठबंधन के बाद यूपी चुनाव में करीब 36 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि अखिलेश यादव या संजय सिंह की तरफ से अभी तक आप और सपा के बीच किसी भी तरह के गठजोड़ की बात नहीं कही गई है और इन मुलाकातों को शिष्टाचार भेंट की ही संज्ञा दी जा रही है, लेकिन ऐसी ही शिष्टाचारिक भेंटों से ही आगे चलकर गठबंधन की राहें खुलती हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि छोटे दलों के साथ गठबंधन क्या आने वाले चुनाव में अखिलेश को सत्ता की कुर्सी पर काबिज कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो इस डिबेट पर हमारे साथ हमारे मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम उनसे आपका तारुफ कराते हैं। देशबंधु दीक्षित जी हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान लतीफ आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ प्रदीप चौधरी हैं समाजवादी पार्टी से, और ऐश्वर्य राज सिंह हैं आरएलडी से प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का आज के डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रदीप भाई आपके पास आना चाहूंगा। प्रदीप जी आवाज आ रही है ना? प्रदीप चौधरी जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए शायद कुछ तकनीकी कारणों की वजह से उन्हें आवाज नहीं मिल रही है। ऐश्वर्य राज सिंह साहब मैं आपके पास आऊंगा।
ये आप लोगों का जो कल जयंत चौधरी आए थे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हो गई है, तो क्या बातचीत हुई, क्या कोई औपचारिक मुलाकात थी, अनौपचारिक मुलाकात थी, और अगर गठबंधन हो गया है तो सीटें क्यों नहीं डिसाइड की जा रही हैं, क्योंकि बीजेपी तो लगी हुई है कि जल्दी से कुछ पता चले और फिर हम भी अपना तुरुप का इक्का कुछ खोलने के मूड में आए और कुछ ऐसा कर दें ताकि फिर से इस गठबंधन को नाकाम बताया जाए। जन की जो राजनीति है जो उनकी, तो वो तो अपनी करती रहती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारा और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, जो गठजोड़ है, ये बहुत समय से चल रहा है। इसकी शुरुआत हम लोगों ने कैराना उपचुनाव में करी थी 2018 में, उसके बाद जो लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 में, वो भी हम लोगों ने गठबंधन से ही लड़ा था, और फिर जो उपचुनाव हुए थे उसके बाद जो 7 सीटों पर, उसमें भी हम लोगों ने गठबंधन के तहत ही हम लोगों ने एक साथ, दोनों दल जो है एक साथ रहे थे। तो गठबंधन तो हम लोगों का बहुत पुराना है गठबंधन, और ये दोनों जो राजनेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी और चौधरी जयंत सिंह जी भी, दोनों ही युवा हैं और दोनों ही चाहते हैं कि ये गठबंधन स्थायी गठबंधन रहे, ये काफी समय तक चले। तो ये गठबंधन नहीं है, ये ग्रेट बंधन है। और जो सबसे पहली जो बात हुई थी दोनों नेताओं के बीच में, जो बात जो चल रही थी, सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी मुद्दों पर, सबसे पहले सहमति हम लोगों ने बनाई मुद्दों पर कि क्या क्या मिनिमम, कौन कौन से प्रोग्राम होंगे जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मुद्दों में जो समन्वय है उसके ऊपर हम लोगों ने बात करी। उसके बाद जो यहाँ तक सीटों का बंटवारा है, वो भी बहुत जल्दी ही आप लोगों के सामने वो चीज आ जाएगी, लेकिन सबसे पहली जो बात हुई थी वो मुद्दों की बात हुई थी, और सीटों का जो गठजोड़ है और जो औपचारिक जो हम लोगों को ऐलान करना है, वो भी आने वाले समय में कर दिया जाएगा। काफी कुछ अभी भी असमंजस बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा कितनी सीटों पर बात हुई है। और दूसरी चीज, बीजेपी ने 2017 में वहां जहां के आप लोग हैं, जिस बेल्ट पे आप लोग अपनी राजनीति को मजबूत बताते हैं, 2017 में वहां पर बहुत अच्छा मैंडेट, बहुत अच्छे वोट बैंक से जनता के बीच में खुद को स्थापित किया था, तो इस बार क्या बीजेपी को आप लोग नुकसान पहुंचा पाएंगे, आपका ये गठबंधन नुकसान पहुंचा पाएगा? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में जो मुजफ्फरनगर में जो जो घटनाएं हुई थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिला था। उन्होंने जो है बंटवारे की उन्होंने राजनीति वहां पर फैलाई थी, और जो दो वर्ग हैं, दो वर्गों के बीच में बहुत ही ज्यादा दिक्कत पैदा कर दी थी। लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे 2019 के चुनाव में भी, हम लोग भले ही चुनाव हम लोग नहीं जीत पाए हों, लेकिन उसके बाद भी ये देखा गया था कि जो दो जो समुदाय हैं, जो आपस में जिनके बीच में जो एक एक जो तनाव था, जो एक टेंशन थी दोनों समुदाय के बीच में, वो तनाव उन दोनों के बीच में कम हुआ है। और 2019 के चुनाव में भी करीब करीब लगभग हम लोगों को जो वोट मिले थे, भले ही हम लोग सीट नहीं जीत पाए थे, लेकिन 2019 के चुनाव में भी वोटों की संख्या एक अच्छी मिली थी। तो जो एक सामाजिक जो भाईचारा था वो एक हम लोगों का डेवलप हो गया था। 2018 जो कैराना में उपचुनाव हुए थे उसमें भी हम लोग जीते थे, और उसके बाद अगर आप तुलना करें 2017 के चुनाव से, तो बीच में एक चुनाव आए थे, जिला पंचायत के चुनाव आए थे, तो जब जिला पंचायत के जब चुनाव आए जिस समय, उस समय भी जो जो कैंडिडेट जो समाजवादी पार्टी के तरफ से भी जो समर्थित कैंडिडेट थे और जो राष्ट्रीय लोकदल के भी जो उम्मीदवार थे, उनको एक अच्छा वोट मिला और काफी उम्मीदवार इसमें जीते। तो कहीं से भी 2017 की तुलना आप 2022 से नहीं कर सकते। हम लोगों ने बहुत कुछ इसमें इसमें प्रयास किया। हम लोगों ने एक भाईचारा जिंदाबाद का एक सम्मेलन तक हम लोगों ने यहाँ पर उसका आयोजन किया, जिसमें हम लोग केवल भाईचारे की बात करते थे। हम लोग जो हिंदू और मुस्लिम जो अब सपा में ही रहना है या फिर कहीं कुछ और भी चल रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी से भी कुछ मुलाकातें हुई थी, और उसके बाद कांग्रेस वाले अपनी बड़ी छाती वाती पीट रहे थे कि सब जयंत चौधरी वाला मामला हमारी तरफ खिसक गया है। देखिए, हम लोगों की बातें तो हम लोगों की सबकी होती हैं, हम लोग राजनीति में हैं, सब लोग जो है जनता की, हम लोग जनता की सेवा में ही सब लोग लगे हुए हैं। और पहले ये जो जो शिष्टाचार मुलाकातें होती थी, इसको ज्यादा राजनीतिक तूल नहीं दिया जाता था, लेकिन ये एक दोनों के बीच में एक ये मीटिंग हुई, दोनों बड़े सम्मानित, दोनों प्रधानमंत्री के परिवारों के दोनों एक सदस्य हैं, दोनों उत्तराधिकारी हैं अपने अपने राजनीतिक परिवारों के, दोनों उनके बीच में एक शिष्टाचारी मुलाकात हुई। लेकिन बार बार चाहे माननीय अखिलेश यादव जी, चाहे चौधरी जयंत सिंह जी भी, दोनों ने बार बार ये चीज कही है कि हमारा और समाजवादी का, और हम लोगों की तरफ से कि हमारा इनका और राष्ट्रीय लोकदल का, दोनों का गठबंधन है। तो ये दोनों का जो गठबंधन है, ये गठजोड़ है, ये 2018 में ही शुरू हुआ था, और ये प्रभावी गठबंधन रहा है, और ये लंबे समय तक चलने वाला गठबंधन, ये ग्रेट बंधन है जो लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, मैं आता हूँ। प्रदीप चौधरी, आपको आवाज मिल रही मेरी?
प्रदीप जी भैया निकाल दे, डिबेट चल रही है। प्रदीप जी आवाज मिल रही है? डिस्टर्ब हो रहा है, मेरी डिबेट चल रही है इसलिए। चलिए ठीक है, हम अभी बात करते हैं देशबंधु दीक्षित जी की। भैया देशबंधु जी, आपके माथे पे कुछ पसीना वसीना आ रहा है सुनने में आया, जब से देखा है मैंने कि ये आरएलडी और सपा का गठबंधन हो रहा है, और आज तो आम आदमी पार्टी वाले संजय सिंह भी अखिलेश यादव से मिलके आए हैं, तो कुछ समस्याएं बढ़ रही हैं, क्योंकि पहले पूरब में ओम प्रकाश राजभर और कुछ छोटे छोटे दलों ने एक साथ अखिलेश यादव के साथ आकर आपकी समस्याएं बढ़ा दी थी, अब पश्चिम में भी समस्याएं बढ़ रही हैं, क्या होगा आगे? जैसा कि नितिन जी आपने कहा, सर्वप्रथम तो जैन जी के साथ मेरी संवेदना है, उनके पूज्य पिताजी अभी आप देखे दिवंगत हुए, तो उनकी आत्मा को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। जैसा कि आप अभी आपने बात की, कल ही हमारे पूज्य मुलायम सिंह का जन्मदिन था, उनको भी मैं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, राजनीतिक में मिलना जुलना, शिष्टाचार, यह मुलाकातें तो होती रहती हैं, इसके राजनीतिक निहितार्थ भी लोग अपने अपने तरह से आकलन करते रहते हैं। अब जैसा आपने बात किया कि जैन चौधरी और हमारे अखिलेश भैया की मुलाकातें हुई और आगामी गठबंधन को लेकर बातचीत हुई, आपके अखिलेश भैया, समझ नहीं आया मुझे कुछ। मैं कहने का मतलब ये है कि आपने देखा इससे पहले भी, आपके अखिलेश भैया से कहने का, इससे पहले भी अखिलेश जी का आपने देखा होगा चुनाव में दो युवाओं का साथ रहा, तो यह सब खोखली नाटकबाजी है। और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आप देखें कि ये लोग परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, छदम राजनीति चमकाने की बात। अभी आपने देखा कि परिवारवाद की बात भी तो पुरानी हो गई ना देशबंधु जी, परिवारवाद की बात तो थी वो पुरानी हो गई। अब तो क्षेत्रवाद से ये राजनीति कर रहे हैं। दो मिनट का समय दीजिए। अभी आपने देखा किसान आंदोलन की परिणति एक साल से पहले 365 दिन में 7 दिन रह गए थे, खत्म हुआ, और इस दौरान आपने देखा केवल हरियाणा, पंजाब, दो चार धनाढ्य जो प्रदेश रहे वहां के किसानों का, गाजीपुर बॉर्डर हो चाहे सिंधु बॉर्डर हो, आपने देखा ये सब घमासान रहा, और कुछ तथा कथित नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की, और हमारे कृषि मंत्री और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के सफल नेतृत्व में 11 दौर की वार्ता हुई, और हमने प्रयास किया कि अपनी बात को पूरी तरह जनता को समझाया जाए। अच्छा, लेकिन जब वह बात समझ में नहीं आई, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए कहा कि किसी किसान भाई को नुकसान नहीं होगा, और वो किसान बिल वापिस हुआ। और उसके पहले भी लास्ट कोशिश में आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने जब उसमें रोक लगाई, तो उन्होंने एक न्याय समिति बनाई जिसके शेतकरी आयोग के अध्यक्ष और समिति के आप देखे होंगे अनिल गडकरी जी ने कहा कि जो आपने अभी चर्चा की कि एमएसपी, आज अभी पेपर में, आज सुबह के पेपर में निकला है, उन्होंने भी कहा एमएसपी जैसी जो संवेदनशील मुद्दों पे है वो किसान हित में कुछ कानून बनाए जाएं, अभी शीतकालीन में यह संविधान फिर लाया जाएगा, और आप जानते हैं इस विधेयक को कैंसिल करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति होती है, तो वो सब चीज है। अब रही बात शिष्टाचार मुलाकातों का, तो आपने देखा इससे पहले भी दो दौर की मुलाकातें हो चुकी, और रही बात अभी आपने छेड़ा ओम प्रकाश राजभर, हाँ। तो ओम राजभर भर की बात मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि वो तो बिन पेंदी के लोटे हैं, इससे पहले अभी आपने देखा कुछ सप्ताह पहले वो ओवैसी जी के साथ गहबलियां मना रहे थे, तो ये लोग राजनीति में अवसरवाद की, और हमारी बीजेपी की आप जानते हैं हमारी पार्टी इकाई बेस पार्टी है, संजय सिंह और हम आए अखिलेश यादव से, संजय जी जब दिल्ली में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप देख रहे हैं संजय जी तो दिल्ली में इनकी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, वहां छोड़ के आए हैं, अब मंदिर मंदिर ये, और इनके यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या में मत्था टेक रहे हैं जी, और दूसरे कांग्रेस की आप बात करते हैं, इन लोग की बात करके मैं क्या बात करूं? नहीं, सपा को फायदा होगा क्या इन सब चीजों से? सपा तो देखिए अब ये तो लंगड़ा है, बैसाखी का सहारा ढूंढता है, इससे पहले युवाओं का साथ आपने देख ही लिया। अच्छा। दो युवाओं ने क्या किया, 2014 में भी आप देखे होंगे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, 2017 में भी हमने उनसे ज्यादा बहुमत से, 2019 में पुनः इन लोगों ने साथ दिया, फिर भी देखिए हम बहुमत से देश के प्रधानमंत्री आए, तो यह अवसरवादिता की राजनीति है, और ये लोग अपना दौर ठिकाना ढूंढ रहे हैं, इससे कुछ होगा नहीं, 2022 के चुनाव में हम पुनः और इससे ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, और हमारे
यशस्वी श्रद्धेय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के सफल नेतृत्व में सबका साथ सबका विश्वास और सबके विकास के साथ पुनः यह यात्रा चालू रहे। ठीक है, मैं आता हूँ। प्रदीप भाई आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है नितिन जी। प्रदीप जी मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ये मिठाई उठाई कब खिला रहे हैं भाई? आप लोगों का गठबंधन हो रहा है, आरएलडी से भी हो गया, आज संजय सिंह भी हो गए। मैं अभी बीजेपी के साथी को सुन रहा था। हाँ बड़ी हंसी आती है इन पे मुझे जी। नहीं मैं उन्हीं के लिए कह रहा था कि कुछ मिठाई उठाई खिलाएंगे कि नहीं आप लोग, के बैसाखी लंगड़े लोग घूमते हैं, इनसे पूछा जाए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में कम से कम 200 पार्टियों से गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर आज बिनपेंदी के लौटा है, इनके साथ थे तो फेविकोल का मजबूत जोड़ था। अनुप्रिया पटेल इनके साथ है, ये इनकी खीस है। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि मोदी जी ने जनभावनाओं को देख के कृषि कानून वापस लिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्हीं का तो अभी ये खुद ही कह रहे थे कि तथाकथित किसान बैठे हैं, कुछ प्रायोजित नेता बैठे हैं, पंजाब के किसान हैं। जब आप उनको किसान नहीं मानते तो प्रधानमंत्री जनभावना के सपने में सुन ली? अभी जनभावना की कह के किसान की जब के कानून वापस लिया है, ये आप कोई जनभावना नहीं नितिन जी। प्रदेश की पांचों राज्यों से कुर्सी के खिसक रही है, ये इनके मासे पे पसीना है और कोई रूमाल से पहुंचने वाला इनके पास नहीं है। अच्छा, और रही बात जैन चौधरी जी की और माननीय अखिलेश यादव जी की, चौधरी चरण सिंह जी के दोनों अनुयायी है, हमारी दोनों पार्टियों की विचारधारा एक है। अच्छा, जब भारतीय जनता पार्टी लोकदल के साथ जाती है तो बहुत अच्छी होती है और सपा के साथ आती है तो इनको बड़ा बुरा लगता है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारतीय जनता पार्टी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अच्छा, और आने 2022 में उत्तर प्रदेश ही नहीं पांचों राज्यों में होने वाले चुनावों में इनकी जमानत जब्त होने वाली है। अच्छा, तो कितनी सीटों पे? नहीं प्रदीप भाई, प्रदीप भाई ये पूछ रहा था कितनी सीटें आप लोग आरएलडी को दे रहे हैं, और आज दूसरी चीज संजय सिंह भी मिलने पहुंचे थे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तो क्या इनसे भी कुछ मामला बना? भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित लोग, समान विचारधारा के लोग, जब जब इस देश में कम्युनल ताकतें बढ़ी है तब तब सेक्युलर लोग एक हुए, ये पहली बार नहीं हो रहा है, हमेशा दियों से होता चला आया है। अच्छा, रही सीट बंटवारे की, हमारे दो नेताओं के बीच का अंडरस्टूड मामला है, कल परसों में जब भी प्रेस होगी आपको सामने आ जाएगा। अच्छा, नहीं तो बीजेपी 2000 तो होगा, बीजेपी अच्छा होगा भारतीय जनता पार्टी। भाई बीजेपी को 2017 में वहां पर काफी कुछ हासिल हुआ था और 2019 में भी उसी चीज को उन्होंने रिपीट किया था, तो क्या माना जाए इस बार नुकसान उनको होगा, या जिस तरह से अभी ये कह रहे थे, जिस तरह से अभी सुनिए तो, जिस तरह से देशबंधु जी कह रहे थे कि बस लंगड़ा घोड़ा बैसाखी ये सारी चीजें जो बता रहे थे वो सब हो जाएंगी? अगर लंगड़ा घोड़ा बैसाखी था, आंदोलनकारी किसान जो है तथागत किसान थे, किसान नहीं थे, तो प्रधानमंत्री जी ने देश से माफी क्यों मांगी? ये जो पूरा मामला है, 2017 में ये लोग 115 सीट वहां से जीते थे 136 में से। अब ये मैं ज्यादा नहीं कह सकता, डबल अंक में पश्चिम उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खोल पाएंगे। अच्छा, डबल अंक की बात कर रहा हूं मैं, नोट कर लीजिएगा मेरी बात को नितिन जी आज जी। हाँ मैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी खीस निकाल रही है। ठीक है, जिस तरीके से उधर से ओम प्रकाश राजभर ने दरवाजे बंद कर दिए, इधर से जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता ने दरवाजे बंद कर दिए। ठीक है प्रदीप भाई, भारतीय जनता पार्टी अब इस समय विदाई की ओर है। ठीक है मैं आता हूँ, और 2022 में नहीं 24 में देश से विदा लेगी। ठीक है प्रदीप भाई, मैं आता हूँ। इमरान लतीफ, और जब तक एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनेगा जब तक किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। इमरान लतीफ हमारे साथ, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ इमरान लतीफ जुड़े हुए हैं। इमरान भाई, आज संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है, आप लोग एक बार कह रहे थे कि हम अकेले उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस मुलाकात के बाद अटकलें लगाई जा रही कि आप लोग भी समाजवादी पार्टी के साथ हो सकते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर क्या ऐसा होएगा तो बीजेपी को समस्याएं और बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? देखिए, जन आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए आम आदमी पार्टी को भविष्य में जो भी फैसला उत्तर प्रदेश की राजनीति में लेना होगा वो हम लेंगे। जहाँ तक आज की मुलाकात का सवाल है, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हमारे राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी की मुलाकात हुई है,
तमाम जो है राजनीतिक मसलों पर बातचीत हुई है, रणनीतिक मसलों पर बातचीत हुई है। और एक बात तो बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश की जनता ये जो है बहुमत में ये चाहती है कि इस बार भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंका जाए। अच्छा, उसके पीछे कारण है कानून व्यवस्था का मामला। बीते 5 वर्षों में देखा गया उत्तर प्रदेश के अंदर कि एक दलित की बेटी को के साथ पहले रेप होता है, गैंगरेप होता है, उसके बाद उसको रात में प्रशासन के लोग जबरिया जला देते हैं। कोई इंसाफ की बात नहीं होती, सब खामोश रहते हैं। एक बेटी खुशी दुबे बिना किसी आरोप के, बिना किसी इल्ज़ाम के, बिना किसी गुनाह के आज तक जेल में है, जिसके बारे में कानपुर के SSP ने उसी वक्त कहा था कि इनको कुछ दिनों के अंदर रिहा कर दिया जाएगा, उसका कोई आरोप नहीं है। इंद्रकांत त्रिपाठी का मामला महोबा के अंदर हमने देखा, प्रशांत मिश्रा का इनकाउंटर कर दिया जाता है, इस तरह के तमाम मामले। कोरोना के समय में हमने देखा कि किस तरीके से सरकार ने दलाली खाने का काम किया, 300 का ऑक्सीमीटर 5,000 रुपये में खरीदा गया। अब बात करें जो गंगा मोक्षवाहिनी हुआ करती थी, उसे कोरोना के समय में शववाहिनी में तब्दील कर दिया इस सरकार ने। राम मंदिर की बात कर लें कि जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी बरसों से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती आई, उसके चंदे में घोटाला करने का काम किया, राम मंदिर के चंदे में घोटाला करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, दलाली खाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, कुंभ के पावन मेले में घोटाला करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो जो सरकार सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में डूबी हो, कदाचार में डूबी हो, अत्याचार में डूबी हो, उसको हटाना आज देश के लिए, आज प्रदेश के लिए सर्वोपरि हो गया है। तो जन आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए जो फैसला हमें लेना होगा हम बिल्कुल लेंगे, लेकिन आज की मुलाकात में अभी इस तरह की कोई गठबंधन पर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई है। गठबंधन की जो भी अंतिम रूपरेखा बनकर आएगी वो जल्द ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि जब हमने उत्तर प्रदेश की सड़कों पर देखा कि जब नौजवान रोजगार मांगने के लिए सड़कों पर उतरा तो उसके ऊपर मुकदमे लादे गए, उसके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उसको लहूलुहान किया गया, उसको जेल के अंदर डाला गया। जब किसान अपनी जायज मांगों को लेकर सड़कों पर आए तो उनको 1 साल तक धरना करने के लिए मजबूर किया गया। जहां प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को कॉर्पोरेट घरानों के सामने घुटना टेक कर ऐसे काले कानून नहीं लाने चाहिए, इन्होंने किसानों की हड्डियां तोड़ने का काम किया, किसानों के ऊपर मुकदमे लादने का काम किया, किसानों को जेल में डालने का काम किया, किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ने का काम किया। कुल मिलाकर इनके राज में किसान प्रताड़ित रहा, नौजवान प्रताड़ित रहा, महिलाएं प्रताड़ित रही, आम लोग प्रताड़ित रहे, हर तरफ महंगाई अपने चरम पर पहुंचती चली गई। इससे ज्यादा नकारा, इससे ज्यादा लापरवाह सरकार आज तक उत्तर प्रदेश के लोगों ने नहीं देखी थी। तो आज उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति चाहता है कि इस सरकार से छुटकारा मिले। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को इतनी भ्रष्ट सरकार से छुटकारा दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी को जो कुछ करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की सियासत में, हम अपनी विचारधारा से, अपने मुद्दों से किसी भी प्रकार का कोई समझौता न करते हुए हम किसी भी राजनीतिक समझौते के लिए तैयार हैं। मतलब उम्मीद करी जा सकती है कि आप आने वाले दिनों में सपा के साथ हो सकते हैं? देखिए, जरूरी यह है कि प्रदेश की जनता को ऐसी निकम्मी सरकार से छुटकारा दिलाया जाए, यह हमारी प्राथमिकता में है। ठीक है, हाँ देशबंधु जी आप कुछ कह रहे थे। अभी इमरान भाई को मैंने सुना, हम मित्र की जानकारी के लिए बता दें, इन्होंने भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगाए। देखिए, हम जनता जनार्दन हमारे चुनाव में सर्वोपरि है। मैंने कि एक एक मूल बिंदु पे, पॉइंट पे इन पे बात करूं। इन्होंने बात की कोरोना काल में, मैं तथ्यों के साथ जाना चाहता हूं। देखिए, व्यर्थ की वार्तालाप और बकवास करने में समय नहीं व्यतीत करना चाहिए। बकवास कहां कोई कर रहा है सर? विश्व के बड़े से बड़े, कोरोना एक महामारी थे, विश्व के बड़े से बड़े, आपने देखा स्वास्थ्य के जो देश थे वो हो गए, उसमें भी हमारी संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी दुनिया की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका एक एक सदस्य, लगभग 2.5 करोड़ सदस्य उत्तर प्रदेश में वर्तमान में है। कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में, चाहे खाद्य बांटने का प्रयास हो, सभी लोगों ने, सभी को मरीज का इलाज करने किया, ये लोग बंद कमरे में, लोगों ने किया, आपने किया, आपने 500 का ऑक्सीमीटर 15,000 में खरीदा था, आपने कोरोना के समय में दलाली खाने का काम किया है, आपने कोरोना के समय में लूटपाट करने का काम किया है, आप भ्रष्टाचार करने का काम किया है कोरोना के समय में, आपने कोरोना के समय में भ्रष्टाचार करने का काम किया, आपने झूठे हो, राम के अस्तित्व को नकारा, दूसरी राम के चंदा को खा गए तुम, आप देखते हैं राम को धोखा दिया तुमने, कोयला घोटाला, जमीन घोटाला, आसमान घोटाला, दलाली से लेके जो
जो है राफेल घोटाला। हमने 370 बनाई, ये हमेशा पूछते थे राम मंदिर कब बनाएंगे, डेट हम कब बनाएंगे। आप देखिए राम मंदिर बन रहा है, आपने राम मंदिर का घोटाला करने का आरोप दिया है, आप दलाली खाने का काम कर रहे हैं राम मंदिर के अंदर, आप चंदा चोरी करने का काम कर रहे हैं, आप भगवान राम के नाम पर पैसा इकट्ठा करके घोटाला भी देखिए आपने राम भक्त नहीं है और तीन विगत है, राम द्रोही है। मेट्रो की बात करते हैं, मेट्रो चलाई वो भी 1 किलोमीटर परिपूर्ण नहीं हुआ, उसके बदले आज देखिए 3 शहरों में परिपूर्ण होके लोकार्पण आपको विगत दिनों में आप मेट्रो से सवारी करेंगे। और रही उत्थान की बात, तो जनता जनार्दन ने इसका जवाब बार बार दिया है, आंकड़ों की बात मोदी ने जो हमें की, जनता समझ चुकी है, मैं माननीय जी के समय का सम्मान करते हुए पिछली बार भी इनके आंकड़े बता दूं, 0 थे और इस बार पुनः 0 पर आएंगे। ठीक है, 2014 में यह निरंतर आपके कोई भी आपका कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं रहा जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सॉल्व न किया हो, जिसको डिसॉल्व नहीं किया हो, चाहे देश की सुरक्षा का मुद्दा हो, ठीक है दीक्षित जी, नदियों में जिन लाशें नहीं बह गई, तुमने माँ गंगा को भी अपवित्र कर दिया, तुम गंगा जमुना के नाम पर वोट मांगते हो भाई। ठीक है प्रदीप भाई, ठीक है, हाँ हमारे साथ लोगों ने लाशों को जानवरों के हवाले कर दिया, कफन लकड़ी तक नहीं दे पाए। ठीक है प्रदीप भाई, आता हूँ, मैं आ रहा हूँ। ने लखनऊ में खबर दिखाई तो भैंसा गोदाम पर टीले लगाने का काम किया इन्होंने। आ रहा हूँ प्रदीप भाई, आ रहा हूँ, आप ही के पास आऊंगा। ऐश्वर्य राय जी, मैं आपसे ये नतीजा ही बात करेंगे, मैं आ रहा हूँ प्रदीप भाई अभी आपके पास। ऐश्वर्य भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब जब ये पश्चिम में बीजेपी के नेता जाएंगे, क्योंकि इन्होंने किसान बिल वापस ले लिया है, और जिस तरह से अभी देशबंधु जी कह रहे हैं कि जितने भी मुद्दे थे उन सबका जो तोड़ था और उनका जो निष्कर्ष था वो हमारी सरकार ने निकाल दिया है, तो जब ये सारी बातों को लेकर पश्चिम के क्षेत्र में आपके किसानों के बीच में, आपकी जनता के बीच में बीजेपी के नेता जाएंगे, तो क्या वहां पर जो नाराज लोग हैं, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि जनता वहां की नाराज है, क्या उनको मनाया जा सकता है, मान जाएंगे वो लोग? मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम वो जनता करेगी। अभी देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी गांव में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता घुस तक नहीं सकता था। अच्छा। घुसने पर भी पाबंदी थी, अब कम से कम ये हो गया है कि शायद घुसने दें उनको, घुस के उनको बैठा लें। और जैसे इन्होंने आपने जो नेता थे देशबंधु जी, उन्होंने बहुत चौधरी अजीत सिंह जी को नमन किया, उनके उनके संघर्षों को समझा, लेकिन साथ ही साथ वहां पर दिल्ली में भी बहुत सारे किसान दिल्ली के बॉर्डर के चारों तरफ बैठे थे, और जो उन्होंने कहा जो बात करी कि केवल हरियाणा और पंजाब के कुछ किसान थे, पश्चिमी यूपी का भी किसान था, पूरे उत्तर प्रदेश का किसान था, राजस्थान का भी किसान था, उन सबको भूल गए। और वहां पर साथ ही 700 किसानों ने शहादत दी है, 700 किसानों के प्राण गए हैं, और आपने बार बार उनको उनके बारे में बात करी है कि ये खालिस्तानी थे, ये पंजाबी थे, ये पाकिस्तानी थे, तालिबान थे, तो इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, केवल इनके पास धर्म के नाम पर अनर्गल बयान देना और उल्टी सीधी बात करना, केवल यही इनके पास एक वो मुद्दा है। जहां तक अगर मैं कृषि कानूनों की भी बात करूं, तो कृषि कानून पर भी बार बार ये लोग MSP पे लाके खत्म कर देते हैं। अरे दो चीजें तीन चीजें और भी थी कृषि कानून के अंदर, 1955 का एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था, जिस पर उन्होंने संशोधन कर दिया, जिस पर संशोधन करके उन्होंने कहा कि भंडाराकरण आप किसी भी सीमा तक कर सकते हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, केवल ये लोग बार बार बात करके MSP पे लाके खत्म कर देते हैं। और जब ये लोग कहते हैं कि केवल ये 2-4 किसानों का या दो कुछ किसानों संगठनों का की ही बात थी, तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने इस पर माफी क्यों मांगी? और इतना बड़ा मुद्दा था, कोरोना काल की बात हुई, इतना बड़ा मुद्दा बन गया, तो ये जो बिल इनको लेकर आने थे, ये ऑर्डिनेंस के तरीके से ये लोग संसद में क्यों लेकर आए? संसद बैठ जाती, कोरोना काल खत्म हो जाता, तब भी तो ये बिल ला सकते थे, लेकिन इन्होंने बैकडोर एंट्री करवाई इन बिलों की, मतलब कहीं ना कहीं ये जो पूंजीपति है यहाँ पर, क्योंकि ये सरकार जो है वो किसानों की नहीं है, वो केवल और छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारियों की भी नहीं है, ये किसान केवल हम दो और हमारे दो की परिभाषा ही समझती है, वो दो हैं और उनके दो उद्योगपति हैं, बंधु हैं, जिनके बारे में ही ये सरकार सोचती है, तो उन्हीं के बारे में सोचकर ही ये कानून बैकडोर से उन्होंने लाने की कोशिश करी थी कोरोना काल के अंदर आए। और ये जो कानून है ये स्टेट लिस्ट के ऊपर है, सेंटर की लिस्ट के ऊपर है ही नहीं, तो इनके ऊपर जो, क्योंकि संवैधानिक तौर पर भी ये कानून चैलेंज होते, और चैलेंज होने के बाद ये कानून रद्द होते,
क्योंकि ये स्टेट लिस्ट के कानून है, सेंटर की लिस्ट के कानून ही नहीं है। तो उसके बाद आपने स्टेट लिस्ट के कानून, इतनी बड़ी महामारी थी कोरोना, कोरोना के अंदर जैसे अब ये कह रहे थे 2-2.5 करोड़ भाजपा के कार्यकर्ता इधर उधर दिख रहे थे, मुझे तो कहीं कोई कार्यकर्ता नहीं दिखा। और सरकार है, सरकार के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम करने की नौबत आ गई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है तो सरकार कहीं ना कहीं फेल है, या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो फेल है। तो ये अनर्गल बयान इधर उधर के बयान देने की बात है कि यहाँ पर हम मंदिर राजनीति कोई लोग बार बार बीच में लेकर चले जाते हैं तो उसकी कोई वो नहीं। और जैसे आम आदमी पार्टी के भी जो प्रवक्ता थे वो भी कह रहे थे कि जो यहाँ पर भी जो लॉलेसनेस है उत्तर प्रदेश में वो भी चरम सीमा पर है। दलित की बेटी के साथ जो हाथरस में जो कांड हुआ उसमें भी हम लोगों ने लाठियां खाई। माननीय चौधरी जयंत सिंह जी वहां पर गए हाथरस में और उस परिवार के साथ उन्होंने संवेदना व्यक्त करी। उसके बाद लखीमपुर खीरी में भी जो ये घटना हुई, जब ये किसान जो है अपना शांतिपूर्वक तरीके से एक आंदोलन कर रहा था, उसके पीछे से आप गाड़ी चढ़ा देते हो और गाड़ी चढ़ाने के बाद भाग जाते हो। और देश का गृह मंत्री क्या करता है कि वो जो परिवार जो जिसने ये चीज करी, जो टेनी जी जो वहां पर जो गृह राज्य मंत्री थे, उनको वो बगल में बैठाते हैं और बगल में बैठाने के बाद कहते हैं कि आप जाइए जाकर अपना काम करिए। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपने कुछ नहीं किया, उसके बाद फिर उसके ऊपर एक्शन होता है। तो कहीं से ये सरकार जो है पूरी तरीके से ये एक फेल सरकार है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान जो कम्युनिटी है वो बिल्कुल दुखी है इससे, क्योंकि 12-14 हजार करोड़ का गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं हुआ, एमएसपी के ऊपर कानून नहीं बना। और हम लोग जो बार बार जो बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिकमेंडेशन है उसके ऊपर आप नियम बनाइए, जो फसलों का जो 1.5 गुना मूल्य है L2 के हिसाब से वो आप किसानों को दीजिए। हम लोगों ने भी अपनी घोषणा पत्र में ये लिखा है कि जब जो गन्ने का जो गन्ने की जो पैदावार होगी एक कमेटी बैठेगी और कमेटी बैठ के ये डिसाइड करेगी कितनी लागत आई है, उस लागत के ऊपर उसका 1.5 गुना मूल्य निर्धारित होगा और ये वो किया जाएगा। तो ये जितने भी जो किसान जो कौम है, किसान कौम बिल्कुल परेशान है इससे, क्योंकि ना आपको सही रेट मिल पा रहा है, ना आपको क्या कहते हैं आपको भुगतान सही पर हो रहा है, सही समय पर हो रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी 15 अगस्त मेरे ख्याल से 2018 का समय रहा होगा, लाल किले से भाषण दिया था कि 14 दिन के अंदर आपका जो है गन्ने का भुगतान हो जाएगा, आपकी जेब के अंदर आ जाएगा। उनके बाद योगी जी ने भी कहा था, गृह मंत्री जी ने भी कहा था, सुरेश राणा जी गन्ना मंत्री, उन्होंने भी कहा था कि 14 दिन के अंदर, 3-3 साल हो गए गन्ने का पेमेंट तक नहीं हुआ है। तो आपका जो मेन जो चीज थी जो आपने पूछा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी जो भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर जाएगा उसको आज भी कोई बैठने को नहीं कहेगा और आज भी उसकी एंट्री नहीं होगी। और किसान और मैं आता हूँ प्रदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये आपके साथी ऐश्वर्य भाई कह रहे थे कि बीजेपी के नेता तो पहले घुस नहीं पाते थे या घुसने नहीं दिया जा रहा था गांव में पश्चिम के, लेकिन अब घुसने दिया जाएगा, आपको लगता है? नितिन जी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का नेता ना तब गांव में घुस पाता है ना आज गांव में घुस पाएगा। क्यों भाई, क्या दिक्कत है? आप रोकोगे क्या? क्योंकि सब लोग जानते हैं, नहीं आप रोकोगे क्या, कि प्रधानमंत्री ने जो काला कानून उद्योगपतियों के लिए बनाया था। प्रदीप भाई रोकोगे, आप रोकोगे? जनता रोकेगी, आम जनमानस रोकेगा। मतलब आप धमकी दे रहे हैं बीजेपी के नेताओं को? मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ आपको नितिन जी, मैं ये बता रहा हूँ, मैं बताऊँ कौन रोकेगा। जो सलेंदर 350 का आता था, जो 1000 रुपए में खरीदा है गांव का आदमी, वो रोकेगा। अच्छा। जो 70 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में खरीद रहा है वो रोकेगा। हाँ। जो 150 रुपए का रिचार्ज 600 रुपए में करा रहा है वो रोकेगा। जो 150 रुपए में टाटा स्काई डिश टीवी रिचार्ज कराता था, आज 600 रुपए में करा रहा है वो रोकेगा। जिसकी नौकरी चली गई है वो रोकेगा। कोरोना में जिसके परिवार से किसी की मृत्यु हो गई है वो रोकेगा। किसी की नौकरी चली गई, रोजगार चला गया वो रोकेगा। और किसी के गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है वो रोकेगा। सब लोग लाठी लेके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बैठे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के इस नेता की हैसियत नहीं है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के गांव में जाके प्रचार कर ले या वोट मांग ले। अच्छा ठीक है देशबंधु जी, ठीक है। प्रधानमंत्री ने सहारनपुर में कहा था कि 14 दिन के भीतर गन्ना का पेमेंट हो जाएगा। आज 4.5 साल बीत जाने के बाद गन्ना का पेमेंट नहीं हुआ। इनके प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 साल में किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। आय दोगुनी तो छोड़िए, किसान बर्बादी के कगार पर है। ठीक है, उसका परिवार शादी ब्याह नहीं कर पा रहा है, लालन पालन नहीं कर पा रहा है, अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा है।
ठीक है प्रदीप, सरकारी खरीद के नाम पे केवल ढोंग हो रहा है, दलाली हो रही है, उद्योगपतियों की फसलें बेची जा रही है। अच्छा पश्चिम में किसान मारा मारा घूम रहा है नितिन जी, पश्चिम में शर्म नहीं आती है? ये किसान की बात करते हैं, सच्चे हिसाब बताते हैं प्रदीप भाई। आरएलडी भारतीय जनता पार्टी सदा उद्योगपतियों की पार्टी रही है, गरीब नौजवान किसान मजदूर अल्पसंख्यक की विरोधी रही है। ठीक है सुनिए मेरा सवाल, एक सवाल इनको विदाई समारोह करके मारेगा। एक सवाल आप आरएलडी के साथ जब पश्चिम से आएंगे तो किन किन मुद्दों को लेकर बीजेपी के सामने आने वाले? अरे भाई महंगाई है, भ्रष्टाचार है, गन्ना भुगतान है, बेरोजगारी है, बेहताशा महंगाई है, मुद्दे 100,000 मुद्दे है, भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पाएगी। अच्छा और आप देख लीजिएगा पूरब से लेके पश्चिम तक, तभी आप शून्य पे आए समाजवादी पार्टी इतिहास, तभी आप शून्य पे आए और इस बार 2022 में फिर जनता आपको जवाब देगी। जनता मूर्ख नहीं है और आपने जो जवाब दिया आपने गन्ने भुगतान, हमारी पहली कैबिनेट बैठक में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने 2,84,00,000 रुपए से 4,00,000 का भुगतान किया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप उन्हीं गठबंधन के साथ थे और यहाँ की चीनी मिलें बंद की, हमारे ये जीवट मुख्यमंत्री का ही जीवट था की सारी चीनी मिलें आज चालू हुई। और आप गन्ना का भुगतान की बात कर रहे हैं, आपके पापों का 1.5 गुना ज्यादा आज हमने गन्ने का भुगतान किया है, 425 देकर उनकी आय बढ़ाने की बात की है, भंडारण केंद्र खोले हैं और आप 2014 में भी साथ थे, आप केंद्र की सरकार में तब साथ थे, आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की? आज 74 साल तक आप दुनिया को बरगलाते हैं और 2022 में जनता जनार्दन इतनी मूर्ख नहीं है वो आपको जवाब दे देगी। और पिछली बार भी आपका खाता नहीं खुला, इस बार भी मुंगेरी लाल का स्वप्न आप देख सकते हैं, मुंगेरी लाल का स्वप्न देखने में कोई इनकार नहीं कर सकता। इमरान भाई कुछ कहना चाहिए? सपना तो आपके प्रधानमंत्री को आया, रात में कुर्सी जा रही है, सुबह 8 बजे माफी मांग ली देश के किसानों से, सपना तो मोदी जी देख रहे हैं मित्र। ये तो जनता जनार्दन ने 2014 में भी आप जवाब दे दिया, 2017 में भी आप यही सपना देखते थे, 2019 में भी देखते थे और 2022 में भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश का किसान बहुत समझदार है, यहाँ की जनता बहुत ही संवेदनशील है, बहुत आपने बैठावे में नहीं है, ये जो आपका ठगबंधन है पिछली बार उन्होंने जो है चले थे उनका हुआ और इमरान भाई अभी देशबंधु जी ने कहा कि हम 425 से 450 रुपए देने लग गए हैं गन्ना किसानों को और आप लोग भुगतान को लेकर बवाल काटे रहते हैं, 4.5 साल में 25 रुपया बढ़ा दिया, उसके बावजूद आप लोग गन्ना किसानों के मुद्दे को लगातार बढ़ा रहे हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार सरकार की समस्याएं बढ़ा रहे हैं, क्या चाहिए भाई? देखिए गन्ना किसानों का अभी भी 18,000 करोड़ रुपए जो है बकाया है, तो 25 रुपए बढ़ाया तो इन्होंने 4.5 साल की ब्याज है और 5 साल में 25 रुपए का इन्होंने इजाफा किया था। अब ये मुझे बता दें कि इनके प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, इनके पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा है आज के समय में, उन्होंने वादा किया था कि किसानों की आमदनी दोगुनी की जाएगी, तो क्या 25 रुपए बढ़ाने मात्र से किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई? आप देशबंधु जी आप बोल रहे थे, मैंने बिल्कुल नहीं बोला था, डिबेट का अपना एक संस्कार होता है, हम अपनी बात कह ले उसके बाद आप कहिएगा। किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात हुई थी, एमएसपी पे बात कीजिए तो इनको सांप सूंघ जाता है, जो एमएसपी डिसाइड होती है धान और गेहूं की उस पर तक खरीद नहीं हो पाती है। तो आज जो उत्तर प्रदेश में स्थितियां बनी हैं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, चाहे कानून व्यवस्था की बात कर लीजिए, चाहे नौजवानों के लिए रोजगार की बात कर लीजिए, चाहे कोरोना के समय में जो स्थितियां रही उसमें निपटने के मामले में भाजपा की सरकार पूरी तरह से विफल रही उसकी बात कर लीजिए, चाहे गन्ना किसानों की बात कर लीजिए, चाहे पूर्वांचल के धान और गेहूं बोने वाले किसानों की बात कर लीजिए, ये किसी के लिए भी साथ खड़े नहीं हो पाए, किसी के साथ न्याय नहीं कर पाए,
पाए, किसी के लिए समृद्धि नहीं ला पाए। आज महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। हम लोग गृह मंत्री जी ने आके कहा था कि रात को 2 बजे महिलाएं जो है गहना पहन के जा सकती हैं, तो हम तो बार बार ये बात कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी खुद अपनी किसी बिना किसी सिक्योरिटी के स्कूटी पर बैठ के खुद गहना लाद कर चले जाए, अगर 2 किलोमीटर में अगर वो सेफ चले गए तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो इस तरह की स्थिति है उत्तर प्रदेश की, जिससे उत्तर प्रदेश के गांव गांव गली गली में एक शोर जो मच रहा है कि इस सरकार से छुटकारा चाहिए। तो अभी जो सब जो राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां सबसे ज्यादा जरूरी यह है, सबसे ज्यादा आवश्यक यह है कि जो ना राम का हुआ ना आम का हुआ उसको अब सत्ता से बेदखल करना जरूरी है। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े अपने राजनीतिक जो अपनी राजनीतिक विचारधारा है उसके साथ सामंजस्य बनाते हुए, अपने एजेंडे के साथ सामंजस्य बनाते हुए जो कुछ भी करना पड़े उत्तर प्रदेश की सियासत में, आम आदमी पार्टी वो करने के लिए तैयार है। लेकिन पहली प्राथमिकता यह है कि जन आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए ऐसी निकम्मी सरकार को सत्ता से बेदखल करना। आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था खराब है, आप लोग जब भी कुछ गड़बड़ करते हो मुकदमे हो तो रहे हैं आप लोगों के ऊपर, उसके बावजूद जी हम लोगों के ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, क्योंकि दरअसल बड़ी मजेदार बात यह है कि इनका इतिहास ऐसा रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि इनको आंदोलन जो शब्द है उससे चिढ़ है। अच्छा, ये आंदोलन करने वालों को आंदोलनजीवी बोलते हैं और स्वयं है चुनावजीवी। इनके जितने फैसले होते हैं वो चुनाव के मद्देनजर होते हैं, चुनाव जीतने के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं। कारपोरेट घरानों को खुश करने के लिए 3 काले कानून लेकर आते हैं और जब चुनाव हारने का डर लगने लगता है तो उन कानून को वापस ले लेते हैं। तो इनको आंदोलन से तकलीफ है, चुनाव से प्यार है, और हम लोग आंदोलन से प्यार करने वाले लोग हैं, क्योंकि आज एक बार दिखा दिया गया कि 1 साल तक चले इस आंदोलन ने इतनी जो प्रचंड बहुमत की सरकार थी, अहंकार की जो सरकार थी, उसको घुटने के बल लाकर किसानों ने दिखा दिया है। अब ये दरअसल इनका विदाई यहां से निश्चित है। अच्छा, 2022 में उत्तर प्रदेश से विदाई निश्चित है और 2024 में केंद्र से विदाई निश्चित है। दरअसल ये जो समीकरण बन रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, हर कोई इस बात को जानता है कि 2024 में दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और ये उत्तर प्रदेश में जो भी सियासी गर्मियां चल रही, जो भी स्थितियां बन रही हैं, ये सिर्फ 22 के लिए नहीं है, ये 24 तक चलने वाली है और बहुत एक बड़ा बदलाव देश की सियासत में होने जा रहा है इन सियासी सरगर्मियों से। देशबंधु जी, एक तो गठबंधन की समस्या आप लोगों के सामने है, लगातार छोटे छोटे दल जो हैं वो अलग अलग पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, चाहे सपा की बात कर लें या फिर कुछ अन्य राजनीतिक दलों की बात कर लें, जो लगातार आपके लिए समस्या बढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में कई सारे मुद्दे भी हैं, जैसा गन्ना किसानों को लेकर अभी आपसे सवाल पूछा गया, बेरोजगारी, महंगाई, सारी चीजें हैं। और तीसरी चीज ये कि आपने सबकी बातें सुनी, अब आपके पास पूरा समय है, बताइए क्या कहना चाह रहे थे और क्या जवाब है इन मुद्दों को लेकर आपके पास। मित्र, सबसे पहले मैं अपने मित्र की एक बात का जवाब देना चाहूँ। इन्होंने जो कहा लोकतंत्र, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत का संविधान बना था, भारत खत्म कर दिया 1950 में हुआ था। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है और देखिए भारत की जनता 130 करोड़ भारत की जनता बेवकूफ नहीं है, यह बात तो नितिन जी आप भी मानेंगे। और रही बात इनकी मुद्दों की, बात 2004 से 2014 तक इनकी ही सरकार, एक चीज बोलना चाह रहा था, नहीं मेरी बात को पूरा हो जाती है, दो एक चीज बोलना चाह रहा, 30 सेकंड दीजिए मेरी बात। इनके ही एक प्रधानमंत्री का कथन रहा, इतिहास देखिए, इनके प्रधानमंत्री नहीं होते, देश के होते हैं, देश के प्रधानमंत्री, आपके मैं शब्दों कहता हूँ, देश के ही प्रधानमंत्री, जिनकी पार्टी के प्रधानमंत्री, जिनके संयुक्त गठबंधन की आप जो बात करते हैं, उन्होंने कहा जब 1 रुपया भेजा जाता था तो 15 पैसे जनता तक पहुंचता था, 85 पैसे घोटाले में चला जाता था। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो समय बहुत बन जाएगा, आसमान से लेकर धरती, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे दूध भूसा घोटाला हो, चाहे खनन घोटाला हो, चाहे राफेल घोटाला हो, चाहे सिंचाई घोटाला हो, चाहे माफिया का राज हो, इनके घोटालों की संज्ञा आपने देखा होगा। एक मूक जो है प्रधानमंत्री रहा और उसके साथ ये लोग रहे। स्वामीनाथन रिपोर्ट की आप बात करते हैं, सन 1983 सर हो सके तो मौजूदा समय पर बात करिए, और आज 26 साल हो गए बात करिए उत्तर प्रदेश की, और इन्होंने आपकी बात, और जो इनकी बात करता हूं, इन्होंने बात किया 18,000 रुपए घटने का भुगतान, ये इनके पाप है। हमारी सरकार ने 2017 में सरकार बनने की पहली कैबिनेट में किसानों का 36,000 करोड़ का भुगतान तुरंत किया, जो हमारे घोषणा पत्र में था और ये हमारे यशस्वी जीवट मुख्यमंत्री का ही कलेजा था कि उन्होंने जो कहा और जो किया,
और इन्होंने बताई कानून व्यवस्था की बात। आज आप देख रहे हैं इनके गायत्री प्रजापति, देखिए आपने देखा होगा आजीवन कारावास भुगत रहे हैं, इनके कारनामे खुल रहे हैं। और आपने बताया महिला सशक्तिकरण की बात, महिला सशक्तिकरण में आप देखिए आज कानून व्यवस्था यह है कि आधी रात को भी हमारी देश की महिलाएं स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। अब रही बात युवा राजकुमार की, वो इसी उत्तर प्रदेश की धरती पे आते थे और इसी रायबरेली से चुनाव हार कर केरला चले गए और जो वहां पे वामपंथियों के साथ हो गए। तो जो आदमी अपनी बात का पक्का नहीं, जिन्होंने एफिडेविट देकर सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं श्री राम के अस्तित्व पर निशान लगाया, आज वो मत्था टेंकते हैं। तो आप बताइए ये छदम अवसरवादिता नहीं है? और रही बात जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, 2014 में भी हमें इनके ही काले कारनामों के प्रतिस्वरूप सफलता मिली और हम देखिए सर्वोत्तम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। फिर इन्होंने अगर मुद्दा उठाया और इनके जो भी मुद्दे रहे ये हमेशा पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। आज मंदिर भी बन रहा है और ये हमारे यशस्वी कोरोना काल में देखिए विपट परिस्थितियों में भी काम वहां पर हुआ। और रही बात आप इन्होंने कहा बंधु जी मेरी बात महंगाई बेरोजगारी पे आपने कुछ नहीं बोला भाई। आज उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं 14 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज, अरे मैं बेरोजगारी और महंगाई पे पूछ रहा हूं आपको दूसरी। ये हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी की प्रगतिशील सोच ही है कि देखिए कोरोना जैसी महामारी के बीच भी हमारे कार्यकर्ता तन मन धन से लगे रहे और उसके बाद भी लगे रहे। चलिए ठीक है। और आज और तीसरी बात कानून व्यवस्था की, अभी आपने देखा कल डीजीपी का सम्मेलन था, इनके दूसरे महाराष्ट्र के डीजीपी हमारे 1090 की व्यवस्था देने बीकेटी गए थे, या आप मीडिया बंधु पूरी तरह जानते हैं। अभी वो कॉन्क्लेव सफलतापूर्वक संपन्न हुई जिससे कानून व्यवस्था के ऊपर मोहर लगी कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी हुई। आज कोई भी ऐसा कानून व्यवस्था नहीं है, हमारे योगी आदित्य ने कहा है अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो रहना है वरना दूसरा रास्ता जेल का रास्ता देख लो, नहीं तो दूसरा रास्ता हम दिखा देंगे। आज बड़े से बड़ा आतंकवादी हो माफिया हो उस पर शिकंजा कसा है, उसका रास्ता जेल है या राम नाम सत्य है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब है और जो गठबंधन को लेकर रस्साकशी का माहौल बीते दिनों बन रहा था उस पर कहीं ना कहीं बहुत सारा जो धूल था वो हटते हुए नजर आ रहा है और समझ में आ चुका है कि समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी जा चुकी है और आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं अपना मन बनाए हुए है। लेकिन यहां पर जनता को लेकर जो बात कही गई कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, तो सबसे अहम बात यह है कि मायावती ने भी यमुना एक्सप्रेस वे बनवाया था लेकिन उसके बाद वो सरकार में नहीं आई। अखिलेश यादव ने आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया था वो सरकार में नहीं आए और बीजेपी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, तो ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा ही उनके साथ भी घटे। उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो मुद्दों पर वोट देती है, वो अपने विकास पर वोट देती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हिस्सा ऐसा भी है जो जात और धर्म के नाम पर भी वोट देती है, तो ऐसे में लगभग उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों को मेहनत करना बहुत जरूरी है और सामने वाले राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं उस पर भी नजर गड़ाए रहना बहुत जरूरी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर दिन कुछ ना कुछ बदल रहा है लेकिन मुद्दे हमारे और आपके जो हैं वो उसी होने जरूरी है, तभी हम और आप सही तरीके से वोट देंगे और सही सरकार चुन पाएंगे। आज की डिबेट में इतना ही, अमित जनमति नमस्कार।